सबसे पहले बात करते हैं माँ काली मूवी के बारे में। तो इस मूवी के एक पोस्टर को शेयर कर दिया गया है और इसका टीजर 4 जुलाई को सुबह 11:07 पर रिलीज किया जाएगा। एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा मूवी की न्यू रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है। अब ये मूवी सिनेमाज में 19 जुलाई से देखने को मिलेगी। करीना कपूर की अपकमिंग मूवी दी बकिंगम मर्डर्स के 2 पोस्टर आ चुके हैं और ये 13 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। दी इंडिया हाउस मूवी की लॉन्च सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है। इस मूवी में निखिल सिद्धार्थ, साई मंजरेकर और अनुपम खेर परफॉर्म कर रहे हैं। मुंबई की पहली वुमेन गैंगस्टर पे बनी फिल्म शबरी अब रिलीज हो चुकी है, जिसे आप रिलायंस एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पे जाके बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। वाइल्ड वाइल्ड पंजाब का न्यू सॉन्ग आई एम ओवर यू कल टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पे रिलीज किया जाएगा। अब बात करते हैं हाल ही में रिलीज हो चुकी मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो कल्कि और जट एंड जूलियट 3 मूवी का आज सिनेमाघरों में 6th डे है। कल्कि मूवी ने 5वें दिन यानी मंडे को 45 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया और अब इसकी टोटल कलेक्शन 600 करोड़ की हो चुकी है। वहीं हिंदी वर्जन में इसने 5वें दिन 16.50 करोड़ कमाए और टोटल हिंदी वर्जन कलेक्शन 128 करोड़ की हो चुकी है। जट एंड जूलियट 3 ने 5वें दिन इंडिया में 2.65 करोड़ और बाहर 4.10 करोड़ का कलेक्शन किया, यानी 5वें दिन की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुकी है 6.75 करोड़। वहीं अगर इसके टोटल कलेक्शन की बात करें तो वो है 55.81 करोड़। तो इसी तरह न्यू मूवी अपडेट और उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।